Brought to you by Techno Spark 20 Series smartphones. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रानी में अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचे थे वहां पे उन्होंने जो है मत दिया उसके बाद काफी सारे लोगों से मिले जो यहाँ पे उनकी एक झलक लेने के लिए खड़े थे एक ऐसे ही परिवार से हम बात करेंगे जिनके साथ प्रधानमंत्री ने वक्त बिताया वहाँ पे रुके आ, इनके बेटे जो दिव्यांग है आंखों से देख नहीं सकते उनके साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत की उनका हाल जाना वो वहाँ पे खड़े थे तब उनके साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम उनको सामने से देख के मिलने गए पीएम अचानक चल रहे थे और फिर उन्होंने रास्ता बदला और मिलने गए पहले उनसे पिता से जानते हैं कैसे हुआ ये आप वहाँ पे थे किस तरह ये घटनाक्रम हुआ पी चल के निकल रहे थे किस तरह से जो है वो वहाँ पर पी एम पूरी लंबी लाइन थी चारों ओर से तभी साहब आ रहे थे हमने देखा बच्चे साथ थे उसकी मम्मी भी साथ में थी फिर साहब को इशारा किया फिर बच्चे को बातचीत करने के लिए फिर पूरा ब्लाइंड था इसलिए साहब ने हाथ पास आके उसके मथे पे हाथ फिराया आशीर्वाद दिया अच्छा काम हो जाएगा उसका शुभ आशीर्वाद दिया आ, उनकी माता जी तब वहीं पे साथ थी जिसके साथ पीएम बात की पीएम का हाथ उन्होंने पकड़ लिया था उनसे बात करते हैं आ, आप जब वहाँ पे थी पीएम एम पहुँचे अचानक कैसा वो क्षण था और आपने उनसे क्या कहा बहुत खुश थे हम वो जा रहे थे और हमारे सबको बाय बाय बोल रहे थे और हमने देखा और पूछा मैं साहब साहब बोल रही थी तो साहब की नज़र पड़ गई और मोदी साहब ने मेरे बेटों को देखा और उसको आशीर्वाद दिया उसके साथ बात की अंकित आपसे क्या बात की पीएम जब आए क्योंकि आप देख नहीं सकते आपसे क्या बातचीत हुई क्या बोला उन्होंने मोदी सर ने मेरा हाथ पकड़ा नमस्कार किया और सिर पे हाथ रखा और उन्होंने पूछा कि आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो आप पढ़े हो कि नहीं तो मैंने बताया कि मैं सोशोलॉजी एम कंप्लीट किया है तो उन्होंने बोला कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा इतना उन्होंने बात की और बहुत खुश थे और जय श्री राम भी बोले जय श्री कृष्णा भी बोला और बहुत अच्छा लगा हमारी लाइफ में हमने फर्स्ट टाइम इस तरह छूके जैसे भगवान को साक्षात जैसे दर्शन हुए हो ऐसा लगा क्योंकि अपना देश का बहुत बड़ा राजा है वो भी अगर वो हर जगह पे जाते हैं तो उनकी इतनी रिस्पेक्ट है वो इंसान हमें मिलता है तो बहुत गदगद होता है कि नहीं इन्होंने मुझे छुआ बहुत अच्छा लगा और उनको भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपको और इन सबको भी बहुत अच्छा लगा कैसी जो पीएम ने जो कहा आपकी क्या भावनाएं थी तब और क्या अपेक्षाएं थी जिसको लेकर आप इतनी भीड़ में मिलने गए थे मुझे बहुत अपेक्षा थी और मुझे अच्छा लगा कि मोदी साहब हमें मिले बहुत बहुत दिन से मिलना चाहती थी और मिल मिल गयी क्या वजह थी इतनी भीड़ में मिलने गए थे कोई क्योंकि वो तो हर बार आते हैं आज जाने की क्यों बच्चे की तमन्ना थी ज्यादा बच्चे को साहब को मिलने का था कुछ न कुछ न, को तो मिले इतने बड़े राजा महाराजा अपना नेता है तो उसको मिलने से अपन को बहुत अच्छी अच्छी आशीर्वाद जैसा और, और उसका हाथ लग तो अपना काम बन जाता है ऐसा आदमी है अपना महापुरुष है उनके क्योंकि वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ इतने बड़े स्टेज पे वो काम कर रहे हैं इसलिए मैं उनको ऑल द बेस्ट भी बोलता हूँ जो भी होगा अच्छा होगा क्योंकि हर वक्त में बहुत स्ट्रगल वो भी कर रहे हैं ना ही खाना पीना सोच रहे अपना टाइमिंग बहुत बढ़िया है उनका तो अचीवमेंट बहुत है और इसलिए वो आगे आएंगे तो ये थे अंकित और उनका परिवार जो आज प्रधानमंत्री से मिला प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए खड़े थे और प्रधानमंत्री ने उनको आज वो खुशी के पल दे दिए कि जो सालों की तमन्नाएं थी सालों की आशाएं थी वो आज उनकी जो है वो पूरी हुई है जिस तरह से प्रधानमंत्री उनको मिलने पहुंचे उनके हालचाल जाने और सब अच्छा होगा ये जो शब्द है वो काफी बड़े हैं और वो किसी के भी जीवन में जो है वो प्रेरणा लाने वाले हैं और आज उन शब्दों से अंकित के लिए एक नई राह जो है वो वो दिखाई दी है